हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज, हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और गाइज, हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। पर गाइज, ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और गाइज, हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज, सबसे पहली चीज जो AEW ने कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज, कल होने वाले पूरे के पूरे डायनामाइट शो के लिए CM Punk कमेंट्री करने वाले है। और कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk के कमेंट्री करने के पीछे का मेन रीजन तो हमें नहीं पता, पर गाइज, हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि CM Punk की राइवलरी टीम टैज के साथ चल रही है और आपको तो पता ही होगा कि टीम टैज के लीडर यानी कि टैज कमेंट्री करते हैं। तो इसीलिए क्या पता हमें कल होने वाले पूरे पूरे डायनामाइट शो के ऊपर टैज की जगह CM Punk कमेंट्री करते हुए दिखाई दे, जिससे कि हमें आगे चलकर टीम टैज और CM Punk के बीच की राइवलरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। पर ये बात तो कंफर्म है कि कल होने वाले पूरे के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk कमेंट्री करने वाले है। पर गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर डार्बी एलन शॉन स्पियर्स को फेस करने वाले हैं। और गाइज, अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, हमने देखा था कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर शॉन स्पियर्स के मैनेजर यानी कि टेली ब्लैंचेट ने डार्बी एलन को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। और यहां पर टेली ब्लैंचेट का कहना था कि जितने अच्छे मैनेजर टेली ब्लैंचेट शॉन स्पियर्स के लिए है, उतने अच्छे मैनेजर स्टिंग डार्बी एलन के लिए नहीं है। और ये प्रूव करने के लिए टेली ब्लैंचेट चाहते थे कि शॉन स्पियर्स डार्बी एलन के खिलाफ एक मैच रसल करे, जिससे कि टेली ब्लैंचेट दिखा पाएंगे कि टेली ब्लैंचेट कितने अच्छे मैनेजर है और स्टिंग नहीं। और टेली ब्लैंचेट की चैलेंज के बाद AEW के रैंपेज शो के ऊपर डार्बी एलन और स्टिंग ने टेली ब्लैंचेट और शॉन स्पियर्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी वजह से हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन और शॉन स्पियर्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज, इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि डार्बी एलन का जो सबसे पहला मैच था जिस मैच के अंदर डार्बी एलन हारे थे, तो मैच किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि शॉन स्पियर्स के अगेंस्ट था, यानी कि शॉन स्पियर्स ने डार्बी एलन को उनके पहले मैच के अंदर हराया था, जो भी इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है और प्रोबेबली शॉन स्पियर्स के लिए इस मैच के अंदर एक प्लस पॉइंट हो सकता है। पर गाइज, तब से लेकर अब तक डार्बी एलन AEW कंपनी अंदर काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि अभी शॉन स्पियर्स और डार्बी एलन के बीच में एक ऐसा मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर डार्बी एलन और शॉन स्पियर्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है और मुझे भी देखना है कि ये मैच कैसा होता है। लेकिन गाइज, जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज, हाल ही में डार्बी एलन CM Punk के खिलाफ एक काफी बड़ा मैच हारकर आए हैं, इसलिए मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि डार्बी एलन को ये मैच जीतने की जरूरत है, जिस वजह से मुझे लगता है डार्बी एलन ये मैच जीतने वाले है। पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच खत्म होने के बाद में डार्बी एलन और शॉन स्पियर्स के बीच में कुछ देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइज, जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज, इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डैन लैम्बर्ट अपने तरफ से किसी भी AEW सुपरस्टार को चैलेंज करने वाले है। और यहां पर डैन लैम्बर्ट AEW सुपरस्टार को कॉल आउट कर रहे हैं कि कोई भी सुपरस्टार आकर मैन ऑफ द ईयर यानी कि इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को फेस करे, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को कौन फेस करता है। और वैसे भी हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि हमें यहां पर किसी सुपरस्टार का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली चीज की जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, जो कि है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच, जहां पर जेड कार्गिल लेजिट लेला हर्ष को फेस करने वाली है। और गाइज, अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, हमने AEW कंपनी ऑल आउट पेपर के अंदर देखा था कि उस विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर जेड कार्गिल ने लेला हैरिस को काफी आसानी से एलिमिनेट कर दिया था और इसलिए लेला हैरिस जेड कार्गिल से अपना बदला चाहती थी, जिस वजह से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जेड कार्गिल और लेला हैरिस का मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज, यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है, क्योंकि आज तक जेड कार्गिल ने सिर्फ 2-3 मिनट के ही मैचेस दिए हैं। लेकिन गाइज, दूसरी तरफ लेला हैरिस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबे लंबे मैचेस देती है, तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और हमें इस मैच के अंदर कौन डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, लेला हैरिस या फिर जेड कार्गिल। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जेड कार्गिल ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW जेड कार्गिल को काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जेड कार्गिल ये मैच जीतने वाली है। पर गाइज, जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन मिलकर 2.0 को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज, मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन आज से करीब करीब एक महीने पहले जब जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ रहे थे, तब 2.0 ने जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया था और तब से लेकर अब तक जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन को 2.0 के खिलाफ कोई मैच नहीं मिला था। पर फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 से बदला लेने के लिए एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली ने अपना मैच डिमांड किया है और इसलिए हमें मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी वीक बैक स्टोरी है। पर मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि हमें मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार की परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या इन दोनों ही सुपरस्टार्स के सामने 2.0 शाइन कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइज, जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन मैच के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी 2.0 इतनी बड़ी टैग टीम नहीं बनी जिनके सामने जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन हार सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली
इजिली ऑलरेडी किसने मैच जीतने वाले है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि प्रोबेबली इस वीक के डायमंड शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच जहां पर एडम कोल फ्रैंकी कजेरियन को फेस करने वाले है। और गाइस अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर जब द एलीट का सेगमेंट चल रहा था, तब उस सेगमेंट के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा को इंटरप्ट किया था, जिसके बाद यहां पर काफी बड़ा ब्रॉल हुआ था और यहां पर आकर फ्रैंकी कजेरियन ने एडम कोल के ऊपर अटैक किया था। इसलिए यहां पर एडम कोल काफी गुस्सा थे और यहां पर एडम कोल ने फ्रैंकी कजेरियन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस वजह से हम इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एडम कोल और फ्रैंकी कजेरियन के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस देखा जाए तो एडम कोल का AEW कंपनी का डेब्यू मैच होने वाला है, तो अब देखना पड़ेगा कि एडम कोल का ये मैच कैसा होता है और इस मैच के अंदर एडम कोल की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच के अंदर फ्रैंकी कजेरियन एडम कोल के लेवल मैच कर पाते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकता है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर एडम कोल और फ्रैंकी कजेरियन की तरफ से बहुत ही बड़े बड़े अमूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली इस मैच के आखिर में द एलीट इस मैच के अंदर इंटरफेयर करती हुई दिखाई दे सकती है, जिस वजह से क्या पता एडम कोल ये मैच जीत जाए। पर गाइस जो आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है डेनियल ब्रायन का केनी ओमेगा को जवाब। और गाइस फाइनली इस वीक के डायमंड शो के ऊपर डेनियल ब्रायन केनी ओमेगा के सामने आकर यहां पर केनी ओमेगा को एड्रेस करने वाले हैं, और क्या पता यहां पर डेनियल ब्रायन केनी ओमेगा को मैच के लिए चैलेंज भी कर दे। पर अगर यहां पर ब्रायन केनी ओमेगा को मैच के लिए चैलेंज करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि यहां पर केनी ओमेगा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर आकर ब्रायन डेनियलसन क्या करने वाले हैं। और गाइस माना कि इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, पर इसके साथ ही इस वीक के डायमंड शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखनी है कि आगे चलकर TNT चैंपियनशिप का क्या होता है, AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की अगली राइवलरी कौन सी होती है, इस वीक के डायमंड शो के ऊपर इनर सर्कल और पेनिकल का क्या होता है, जिसके साथ ही हमें देखना है कि ब्रायन केज और टीम टैज के बीच में आगे क्या होता है, क्या हमें इस वीक डार्क ऑर्डर के बीच में दरार बढ़ती हुई दिखाई देती है या नहीं, जिसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि लुचा ब्रोस अंद्रादे और पाक के बीच में क्या होता है, और इस वीक के डायमंड शो के ऊपर मैलिकाय ब्लैक क्या करते हैं। तो गाइस जैसे बातें जानने के लिए आपको कल हमारे चैनल के ऊपर आने वाला AEW डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। हे डिड यू लाइक दैट वीडियो क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर एंड वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग चेक आउट आवर ऑफिशियल मर्चेंडाइज पेज एंड टू सपोर्ट द एंटायर कास्ट एंड थैंक्स सो मच फॉर बीइंग द एलीट द एलीट द एलीट व्हाट निक यू आर नॉट गोना सिंग इट ऑल विद मी दिस टाइम।